स्टोरी बेसलेस है, जीरो है, स्टोरी कोई है ही नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया एंड में। हम लोग बहुत डिजास्टर लगी हमें मूवी, डायरेक्शन बहुत वीक है, स्टोरी बहुत वीक है। जो बीमार लोग हैं ना वो फिल्म को बीमारी बता रहे हैं, मैं बीमार नहीं हूँ सर, मुझे देखना मजा आ गया। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉट वर्थ इट। ये बाहुबली और KGF का मुकाबला करने आप जा रहे हैं? झूठ बोल रहा है। पांच में पांच मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा इसको, पांच में पांच वो जो डायरेक्टर है ना वो भी नहीं देगा देखने के बाद। अरे कमी कुछ क्या इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें। सर कैसी लगी पिक्चर? देखिए पिक्चर ओके है, पिक्चर बहुत सुपर हिट है नहीं, और स्टोरी जो है वो बेसलेस है। बाकी एक्टिंग वाइज अभी जैसे कि आपको ये हीरो है वो तो बोन हीरो है, तो उसको एक्टिंग की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। अब संजय दत्त है, बहुत दिन बाद दो तीन पिक्चर में भी आए, उन्होंने जो रोल किया है बहुत खूंखार रोल किया है और अच्छा रोल किया है, बल्कि हीरो से ज़्यादा रोल उनका है। हीरोइन का एक दो गाना ज़बरदस्ती डाला है, वो बेले डांस जैसा है और थोड़ा बोल्ड सीन दिया है कि भाई कुछ तो मसाला तो डालना पड़ेगा ना। स्टोरी बेसलेस है, जीरो है, स्टोरी कोई है ही नहीं। अंग्रेज को मार देता है हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी को अंग्रेज मार देता है, गीत उड़ के आते हैं कोई म्यूजिक में और गीत आके सारे पुलिस को मार देते और हीरो भाग जाता है, ये किसको गले उतरेगी बात कि कौआ और गीत और घोड़ा आदमी को बचा देगा और अंग्रेज को मार देगा, दुश्मन को मार देगा, ये गले उतरने वाली कोई बात है ही नहीं। पता नहीं डायरेक्टर क्या बताना चाह रहा है। हम लोग देखिए उम्मीद में, एक तो हम लोग रिटायर हैं, दूसरा कि एंटरटेनमेंट 100-200 में कहीं बम्बई में पॉसिबल नहीं है, तो एक उम्मीद रहती है कि शुक्रवार को जाएंगे तो 3-4 घंटा थोड़ा अच्छा जाएगा, वही नाम बड़े दर्शन छोटे बोलिए। और दूसरी बात कि बचपन याद इसमें आ गया कि बहुत बचपन में विक्रम और बेताल की ऐसी कहानियाँ सुनते थे, वो देखने को मिली, वो किताबों में थी या रियलिस्टिक में मिली। वही दुख की बात वही है कि इतना बड़ा पैनल, इतना बड़ा डायरेक्टर, ये वो सब, और इस तरह की मूवी बनाए, कुछ तो इंस्पिरेशन होना चाहिए, कुछ मुद्दा होना चाहिए, माने कोई जन जागृति होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। समसेरा अभी क्या समसेरा। अच्छा और भी एक तीसरा भी अभी पैदा हो गया लास्ट में, इसका मतलब पार्ट टू का भी तैयारी हो गया इसका। तो क्या करने जाएंगे पार्ट टू में? कोई पार्ट टू इसमें क्या देखेंगे? ये बाहुबली और KGF का मुकाबला करने आप जा रहे हैं तो वो नहीं है, ये मुकाबला के लायक नहीं है। आउट ऑफ फाइव दो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए, दो ही दूंगा। नहीं 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 कोई नहीं 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 घर वाले को ना बोलूँगा, उन लोग का कल का प्रोग्राम है कि मत जाओ, कहीं भी जाके स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके थैंक यू। मुझे बहुत ही एवरेज लगी, मतलब जितना मैंने ट्रेलर देखे एक्सपेक्ट किया था, इतना हाइप था ये मूवी का, इतना प्रमोशन हुआ था, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मूवी देख के। और रणबीर कपूर जिनकी इतने टाइम के बाद एक मूवी आई है, तो हमें बहुत था कि मतलब उनकी मूवी देखें, क्योंकि उनकी जो भी मूवीज़ हैं उनका बहुत अच्छा ओपनिंग होता है हमेशा। लोग आए भी बहुत उत्साह के साथ, बट कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गई। मतलब पहले हाफ में हमको पता चल गया कि बहुत सारे रैंडम सीन्स है, बहुत ड्रैग किया है, एडिटिंग प्रॉपर नहीं है। तो जो शिव कुमार पैनिकर इसके एडिटर है, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ी एडिटिंग क्रिस्प रखनी थी। म्यूज़िक अच्छा है मिथुन का, फितुर और एक दो और सॉन्ग्स अच्छे हैं, बट बहुत ड्रैग किया है मूवी को, नॉट एक्सपेक्टेड। रणबीर कपूर का डबल रोल है और उन्होंने अपना रोल बहुत शिद्दत से निभाया है, बट कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि कंटेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। पहले उनका एक बुड्ढा रूप दिखाया, फिर मूवी फ्लैशबैक में मतलब 25 ईयर्स लेटर दिखाया गया उनका यंग रूप। मतलब कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है, एक सीक्वेंस होता है, कहीं भी रैंडमली कोई भी सॉन्ग डाला हुआ है, कहीं भी कोई भी सीन उठा के कहीं भी डाला हुआ है, तो कंटेंट इज़ द किंग हम लोग बोलते आए वो भी। और एडिटिंग के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया, वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। संजय दत्त ने भी बहुत ही पैशनेटली अपना रोल निभाया, बहुत ही उनके रोल में मतलब ही वॉज़ अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट दैट टाइम, और बहुत ही उन्होंने अपना जो रोल है बहुत पावरफुल है उनका। अगर मूवी की स्टोरी अच्छी होती तो आई एम श्योर कि वो बहुत मतलब तहलका मचा देते, बहुत ही अच्छा रोल है उनका।
और इवन रणबीर कपूर का भी रोल अच्छा है शमशेरा, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, बट स्टोरी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा लोगों को। इवन सिनेमेटोग्राफी भी कुछ सीन्स में बहुत अच्छी है अनिल गोस्वामी की, और जैसे मैंने कहा म्यूजिक भी अच्छा है मिथुन का, डायरेक्शन भी ठीक है, बट करण मल्होत्रा कुड हैव डन बेटर आई फील। माहौल यही था कि मतलब हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग अप्लॉड करेंगे मूवी को या सीन पे सीटियां बजेंगी, वो सब कुछ नहीं हुआ। बीच बीच में कहीं कहीं पब्लिक एंटरटेन हो रही थी, बट बहुत ही मतलब ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं थी मूवी में, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। मतलब हम लोग ने इतना एक्सपेक्ट किया था और रणबीर कपूर कितने टाइम के बाद मूवी आई, तो मुझे लगता है कि उनको मतलब यशराज फिल्म्स की एक के बाद एक फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज़ रॉन्ग। हालांकि एक्टर्स ने सबने अपनी जो परफॉर्मेंसेज अच्छी निभाई हैं, बट मूवी की स्टोरी और अच्छी हो सकती थी और एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। इवन दो वो पीरियड मूवी की जैसे दिखाई है, 2 घंटे 40 मिनट समझ में नहीं आता इतनी लंबी क्यों। स्टोरी पहली बात तो रियलिस्टिक नहीं लगती, रिलेटेबल नहीं है बिल्कुल। शमशेरा की स्टोरी जो है ना वो और अच्छी हो सकती थी, और मतलब जिस तरह के किरदार है, अभी आप KGF देखिए, वी डोंट वांट टू कंपेयर टू साउथ इंडियन सिनेमा, बट वो जो भी अगर वॉयलेंस भी है तो हर चीज़ का एक मतलब लॉजिक होता है। मुझे प्लॉट भी बहुत ही इनकोहेरेंट लगा, और कहीं भी कुछ भी डायलॉग्स मुझे एक्सपेक्ट किया था कि पीयूष मिश्रा के डायलॉग्स अच्छे होंगे, डायलॉग्स भी ठीक ठाक हैं। नीलेश मिश्रा जो इतने मतलब एकम्प्लिश्ड ये हैं, उनकी स्टोरी है, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब मज़ा नहीं आया एंड में। हम लोग बहुत डिजास्टर लगी हमें मूवी। वन टाइम देख सकते हैं अगर आप रणबीर कपूर फैन हैं, बट यू कैन गिव इट अ मिस, इट्स नॉट दैट ग्रेट। 5 में से 2 स्टार्स, बट रणबीर को आई कैन गिव 3.5, संजय दत्त को भी 3.5, और म्यूजिक को भी 3 तक दे सकते हैं। सर एकदम नाइस मूवी, झकास मूवी एकदम। जो बीमार लोग हैं ना फिल्म को बीमारी बता रहे हैं, मैं बीमार नहीं हूँ सर, मुझे देखने में मज़ा आ गया, यहाँ हूँ धा दूँ। सर मेरा लुक कहाँ रणवीर कपूर कहाँ सर, मैं जर्रा हूँ सर, वो आसमान है। एकदम ऐसी एक्टिंग लगी सर, मेरा गांव मेरे देश में फिल्म विनोद खन्ना की, मज़ा आ गया पिक्चर देखने में एकदम बढ़िया बढ़िया। सारे गाने शमशेरा और वो क्या नाम उसका, जी हजूर क्या, क्या गाने को जवाब नहीं, और डायलॉग तो मुझे याद नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन जवाब नहीं पिक्चर का, डायलॉग लिखने वाले का भी, स्टोरी लिखने वाले का भी, और एक्टर का वो जवाब नहीं है। मैंने बोला जो बीमार होगा फिल्म को बीमारी बताएगा, और जिसके रगों में खून लोहा दौड़ता होगा वो अच्छी बताएगा, हमको तो ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं, और बीमार फिल्में अच्छी नहीं लगती। बैठे जो उल्लू की तरह देख रहे, अब घोड़े दौड़ रहे, यहाँ हूँ ढूंढा, खच्चरबाजी हो रही, खून खराब हो रहा है, हमको तो ऐसी मूवी अच्छी लगती है। अंदर कैसे माहौल था, सिटी बजा रहे लोग बाग,
सिट्टी बजा रहे गाने सुन सुन का डायलॉग सुन सुन के मार साले को और मार साले को। बीमार मैंने क्या बोला सर, बीमार तो बीमारी बताएगा ना सर, अगर बीमार आदमी बीमारी बता और बीमार हो जाता है वो, और जो स्वस्थ होगा बहन जो क्या मूवी देख रहा मैं उल्लू की तरह, लोग बाग उल्लू की तरह पिक्चर देखते, अब क्या होने वाला है अब क्या नहीं होने वाला। मैंने मेरा गांव मेरा देश देखी थी विनोद खन्ना की, धर्मेंद्र की पिक्चर, उसके बाद ये फिल्म देखी। हाँ अब नई लड़की है तो डायरेक्टर उसको जितना दिखाएगा उतना दिखाना पड़ेगा ना, वो हीरोइन उसको बनना है, उसकी क्या गलती है, उसने नई लड़की कोई नए लड़की हो लड़का हो हीरो या हीरोइन हो उसमें उसके अंदर पहली बार जितनी कैपेसिटी होती है ना उतना करेगी ना वो, और धीरे धीरे जब पुरानी हो जाएगी वो मीना कुमारी बन जाएगी, मधुबाला बन जाएगी, आशा पारेख बन जाएगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे? 5 में से 5। थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, नॉट वर्थ इट, बहुत लेजी राइटिंग, नॉट टू गुड ऑफ अ स्टोरी। एक्टिंग नॉट रणबीर कपूर बट रोहित रॉय प्लेड अ वेरी गुड रोल, बट या दैट्स ऑल। संजय दत्त का रोल काफ़ी अच्छा है, इफ द स्टोरी वर गुड इट वुड हैव बीन अ रियली ग्रेट मूवी। हाँ कुछ अच्छी होनी चाहिए थी स्टोरी, जितना हाइप अप किया था नॉट वर्थ इट। हर एक सीन में तो गाना है, स्टोरी कहाँ से आएगी। आउट ऑफ 5 आई'ड गिव अ 2। अच्छी थी मूवी, डायरेक्शन वॉज क्वाइट गुड एंड थोड़े से स्टोरीज में जरा ट्विस्ट थे वो जो उसके वजह से मजा आया था, और संजय दत्त का एक्टिंग वॉज क्वाइट गुड। रणवीर कपूर का भी अच्छा था, पर आफ्टर द संजय दत्त उनका कैरेक्टर थोड़ा सा क्रेजी दिखाया था, और उसके बाद आती वाणी कपूर का तो मोस्टली कुछ रोल ही नहीं था, क्वाइट बोलते हैं ना डांसिंग ऑन के लिए ठीक है सपोर्टिंग कास्ट के लिए, और रोनित रॉय का भी सपोर्टिंग रोल अच्छा था। गाने थोड़े से लाइक गाने की वजह से थोड़ा बोर हो रहा था, क्योंकि सॉन्ग से वैसे ना इतना वो जो रिदम था ना मूवी का वो ब्रेक हो रहा था। स्टोरी देखो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा स्टोरी, बट इंटरवल आते आते ना जो लास्ट में वो इंटरवल में वो लिखता है ना वो व्लॉग बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया गया और वो निभाया भी गया कैरेक्टर्स के वजह से, सो अच्छा था। और स्टोरी में जो एंड में जो ट्विस्ट थोड़े बहुत है उसके वजह से थोड़ा सा क्वाइट इंटरेस्टिंग और ये लगता है थ्रिल लगता है। 3.5। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ के वजह से, लेंथ थोड़ा सा बड़ा लगा मेरे को मूवी के लिए, थोड़ा सा क्रिस्प रहता ना तो उसकी वजह से मैं 1/2 स्टार काटूंगा, और ड्यू टू द सॉन्ग्स की वजह से जो बोलते हैं ना जो ये रहता ना जो कनेक्शन रहता ना मूवी की वजह से टूट रहा था उसके वजह से, और रणवीर कपूर का थोड़ा सा और पावरफुल रोल हो सकता था ऐसा मेरे को लगा उसके वजह से। हाँ जी बहुत प्यारी लगी, वंडरफुल, मतलब मजा आ गया। बहुत दिन के बाद एक ऐसी मूवी बॉलीवुड में बनी है जो नो डाउट अट्रैक्ट करेगी ही लोगों को। ऐसा पिक्चर में क्या है जो इतना आपको अच्छी लगी? मुझे एक्चुअली 4 साल से वेट था कि रणबीर कपूर क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर है, तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक कर लिया था, हमने 6 या 7 दिन पहले ही बुक कर लिया था, ओपन हुआ था। हाँ, मैंने कर लिया। और वो था ना बीच वाली सीट बुक करनी है उसके बाद देखा बैठ के पूरा देखना है, तो मैं बड़ा फैन हूँ उनका, इसलिए मुझे 4 साल बाद जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ प्रॉपर। आपके पास रोमांस है, ट्रेजेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, लेस मूवी है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे, सौरभ शुक्ला जी ने तो और शेरो शायरी करके उसको और बड़ा बना दिया, मिश्रा ने बहुत ही गजब के लाइंस लिखे हैं, मजा आ गया मतलब। तो एक ये फनी था बट एक्चुअली जब वहाँ शमशेरा उनको मतलब रणबीर कपूर जो सन के रोल पे है वहाँ पर जब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करके गेट तोड़ते हैं तो वो एकदम मतलब ऐसा लगता है कि खड़े हो जाऊँ वहाँ पर और चिल्ला दूँ अरे क्या भाई एक नंबर लेकिन क्या है साउथ और यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है मेरे को यहाँ से निकाल देते मुझे वो भी लगा अरे भाई निकलने दो। बिल्कुल हम लोग का एक चीज है हम लोग 6 लोग आए थे हम कभी भी 6-7 से कम नहीं आते अभी 4 लोग आके चले गए हम 6 लोग आते हैं हम लोग अपने में मस्ती करते रहते हैं बगल वाले गाली देते हैं बात अलग है लेकिन अब वी आर एंजॉयड सुबह उठ के आए हैं 7:30 बजे पूरा एंजॉय तो करके जाना बनता है ना तो 12-12, 2-2 बजे तक काम करते रहते स्टोरी देखिए क्या होता है सबका एक अपना जेनर होता है अपना जिस पसंद का होता है ना अपने को अगर उसके पसंद के हिसाब से बताएंगे तो हम उनके बारे में नहीं बोल सकते लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी है जो उसको समझेगा कि एक गुलामी क्या होती है
और एक सोच कैसे गुलाम बना सकती है और आप किस लेवल पे एक लीडर बन सकते हो, तो वो इस मूवी से सीख सकता है कि कैसे और आगे बढ़ना। सीरियस टॉपिक में एंटरटेनमेंट दिखाना, इट्स अ बिग चैलेंज, तो उसमें बहुत मजा आया। वाणी कपूर कितनी हॉट लगी पिक्चर में, मेरे घर वाले अगर ये सब देखेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। बाकी है कि वो तो हमेशा स्टनिंग आई है, नो डाउट। सी डॉट में तो अभी बस पास में जाके, आपने उनका ज्यादा सीन क्यों नहीं रखा? मेरे घर वाले अदर कास्ट में नहीं मानेंगे ना, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं रिश्ता ले आता। 4.5 मैं एक्चुअल में आधा इसलिए कम रखा कि अगर सब 5 दे देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने 4.5 रखा है, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी समझ में आएगा कि कहीं काम करना रहेगा, तो इसीलिए मैंने आधा काटा। मैं अपने को भी फुल पॉइंट्स कभी नहीं देता। बड़े हैं ना, बड़े। चलिए, थैंक यू सो मच।